सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू रेमेडी जिसका नाम है हाउ टू रिमूव डार्क सर्कल्स। अब डार्क सर्कल्स का रीज़न तो हम सबको पता है फ्रेंड, हम वर्क के स्ट्रेस में इतना खो जाते हैं, या फिर हम पढ़ाई के स्ट्रेस में, या फिर अपने लाइफस्टाइल के स्ट्रेस में इतना खो जाते हैं कि हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते, डाइट नहीं ले पाते, न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हमें हो जाते हैं डार्क सर्कल्स या फिर डार्क आई बैग्स। सो डार्क आई बैग्स को ट्रीट करने के लिए फ्रेंड्स हमें एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी फॉलो कर लेनी है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं कि लैक ऑफ स्लीप की वजह से ही आपके डार्क सर्कल्स हों, आपके डार्क सर्कल लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड इन योर डाइट की वजह से भी हो सकते हैं। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, तो भी आपको डार्क सर्कल्स का सामना करना पड़ सकता है। सो आज जो मैं आपके लिए रेमेडी लेके आई हूँ ये आपके लिए बिल्कुल असरदार होगी। और फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि डार्क सर्कल्स जो है, मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि आप एक दिन में डार्क सर्कल्स रिमूव कर सकते हो, या दो दिन ये रेमेडी लगा लो आपके डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप एक दिन में डार्क सर्कल्स रिमूव कर सकते हो, या दो दिन मेरी रेमेडी फॉलो कर लो आपके डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाएंगे। डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए आपको एक प्रॉपर शेड्यूल्ड डाइट लेनी पड़ेगी और आपको प्रॉपर स्लीप लेनी पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर आप ये रेमेडी फॉलो करते हो तो 12 टू 15 डेज में आपके डार्क सर्कल्स रिमूव हो सकते हैं और 75% तक आपको फ़र्क देखने को मिल सकता है। तो देर न करते हुए फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी वीडियो को। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है एलोवेरा जेल, विटामिन ई का एक कैप्सूल और एक खाली कंटेनर जिसमें हम स्टोर कर सकें अपने आई सीरम को। तो इसे बनाने के लिए हम फर्स्ट ही ले लेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को हम थोड़ा सा क्वांटिटी, फ्रेंड्स हम एलोवेरा जेल इतना डालेंगे कंटेनर में ताकि हमारा एक वीक का स्टॉक बन सके। सबसे पहले हम एक वीक का स्टॉक बना के देखेंगे, ज़्यादा स्टॉक नहीं बनाएंगे, नहीं तो वो उसकी इफ़ेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। और वैसे भी फ्रेश स्टॉक लगाना चाहिए तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हम थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लेते हैं इसमें। दिस मच क्वांटिटी इज इनफ फॉर मी। सो अब नेक्स्ट स्टेप, हम विटामिन ए का कैप्सूल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम विटामिन ई का कैप्सूल लेंगे। इसे हम सीजर की हेल्प से कट करके, एक कैप्सूल जो है वो फ्रेंड्स एक वीक के लिए सफिशिएंट है और उस हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे। इतनी क्वांटिटी में एक कैप्सूल हमारा सफिशिएंट होगा विटामिन ई का। सो अब ये जो सॉल्यूशन बना है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ टीस्पून और एनीथिंग लाइक दैट। सो फ्रेंड्स, मैं इसे स्पून की हेल्प से अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी ताकि ये विटामिन ई में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको जो सीरम है उसकी कंसिस्टेंसी एकदम से हमारी सही आ जाए। सो आप देख सकते हैं इसकी जो फाइनल कंसिस्टेंसी आई है वो कुछ इस तरह की हुई है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कंसिस्टेंसी इसकी आई है। हमें क्या करना है, हमें एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग हमें इसको अपनी आई बैग्स में अप्लाई करना है जहाँ पे हमारे डार्क सर्कल्स हैं। हमें अंडर आइज़ में एज वेल एज अपर आइज़ में भी अप्लाई करना है, बिकॉज जो अपर आई एरिया होता है वो भी हमारा डार्क होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर फेस एरिया। और उसके बाद हमें इसे सिंपली अप्लाई करके जेंटली स्लो मोशन में, अगर हम एक दो मिनट के लिए इसे मसाज दे पाए, और उसके बाद हमें आराम से इसको वैसे ही रहने देना है और सुबह उठ के हमें फेस वॉश कर लेना है, दैट्स इट। और अगर हम ज़्यादा जल्दी इफेक्ट चाहते हैं तो हम इसे दिन में दो बार भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसे दिन में भी यूज़ कर कीजिए, आप इसे लगा रहने दीजिए दो तीन घंटे तक, उसके बाद नॉर्मली जब भी आप फेस वॉश करें तो उसके साथ ये धुल जाएगा। सो ये जो है ये एक वीक का बन गया है, इसको हम नॉर्मली स्टोर करके रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और ये ज़्यादा फ्रेश रहेगा। सो इसको मैं आपको इजीली फ्रेंड्स अप्लाई करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका जो टेक्सचर है ये इतना स्मूथ है और ये इतना ग्लोई है,
ये ऐसे ग्लो देता है और ये आपकी स्किन में जो है वो इजीली अब्सॉर्ब हो जाएगा। इसको आपने बस इसको अप्लाई करके अपने आई बैग्स में इसको अब्सॉर्ब करने के लिए आपने छोड़ देना है। थोड़ी देर में ये खुद ही अब्सॉर्ब हो जाएगा, जिसके साथ साथ आपका विटामिन ई भी अब्सॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में, और उसकी डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, तो फ्रेंड्स डार्क सर्कल्स भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। सो जो है ये अप्लाई कर लिया है मैंने इसे अच्छे से और ये अब्सॉर्ब हो चुका है। सो सिमिलर वे में ये आपकी आइज़ में भी अब्सॉर्ब हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है, आपने एक बार इस स्टॉक को बना के रख लेना है। आपको जस्ट एलोवेरा जेल चाहिए, विटामिन ई का कैप्सूल चाहिए और नथिंग एल्स। एक बार आपने इसको बना लिया, आप हार्डली 1 to 2 मिनट्स भी कंज्यूम करोगे इसको लगाने के लिए रोज़, तो हो जाएगा ये और आपके डार्क सर्कल जो हैं 15 डेज में या 15 to 20 डेज में आपकी पूरी तरह से वो रिमूव हो जाएंगे। दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर माई टूडेज़ वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत